everyone, this is Krisha Mukherjee and welcome back to my channel. I don't have to say anything, मेरा background देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो vlog है वो किस बारे में है. So it's been really long, a lot of people were requesting me to make a video on manifestation. Yes. So today I'm making a video on manifestation. I'm gonna tell you guys that how I manifested everything I wanted in my life. Honestly, मुझे पहले manifestation के बारे में कुछ नहीं पता था. कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि सच्चे दिल से अगर तुम किसी भी चीज़ को चाहो, मे भी थोड़ा मेरा डायलॉग गलत होगा बट भावनाओं को समझो, सच्चे दिल से आप अगर किसी चीज़ को भी चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए मिल जाती है. आई डोंट नो इफ मैंने सही बोला कि नहीं, बट आप लोग समझ गए ना कि इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ एंड यू आस्क द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल डेफिनेटली गिव यू. बट आपको जो है पूरा भरोसा होना चाहिए अपने आप पे भी, उस प्रोसेस में भी और यूनिवर्स में भी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग एंड दोज थिंग्स आर दिस. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड. सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे. ग्रैटिट्यूड जो है उसे हिंदी में कहते हैं हम शुक्राना करना. हम गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे भी बोलते हैं, या फिर किसी भी आप रिलीजन को ले लीजिए, हमेशा वो बोलते हैं कि शुक्राना करना चाहिए. वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट. व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जस्ट से थैंक यू गॉड, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट दैट लकी कि वो अगला दिन देख पाए. सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर अनदर डे, ग्रेटफुल दैट यू हैव रूफ ओवर योर हेड, यू हैव फूड ऑन योर टेबल, यू हैव क्लोथ्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए लेकिन हम नहीं होते, क्योंकि हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है. लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं. एंड इट्स जस्ट नॉट यू, ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है, लेकिन आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यू नो I have to be grateful for whatever I have. अगर आप उस चीज़ के लिए grateful रहेंगे, whatever you have right now, then only God will give you more. So first thing when you get up in the morning, say thank you to God, say thank you to universe, शुक्राना कीजिए that you have another beautiful day to live. Tell God that you know I will make the most of it. And I know कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे नहीं जाते. When you wake up in the morning, you're grumpy because उससे पहले वाले दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ था आपके साथ, but that was past. And honestly मेरे साथ भी होता है, but then you have to fool your mind that you know it's okay, that was past. उसको पीछे छोड़ देते हैं and this is a present, और present में रह के अपने future के बारे में सोचते हैं. When you sleep at night also, that time also show gratitude to God that you know thank you so much for giving me this beautiful day and I'm very excited for tomorrow, right? So this is what I do and I think if you want to try it, just try it and let me know. So second thing we'll talk about is trust the process. This is a very tricky part and most of the people they give up क्योंकि सबको बहुत जल्दी होती है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. लेकिन whenever you want something, जिद होती है उस टाइम पे, भगवान और यूनिवर्स जो है वो आपको टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि are you really worthy of this? Because I'm just giving you one example. जब हमें बचपन में कोई चीज़ चाहिए होती है, let's say अगर आपको एक बाइक चाहिए या स्कूटी चाहिए, तो आपके पेरेंट्स पहले आपको टेस्ट करते हैं कि आप उस बाइक को चला पाएंगे. What if आप उस बाइक से गिर गए, right? You'll hurt yourself. तो यूनिवर्स मेक श्योर दैट यू आर वर्दी ऑफ वॉट यू आस्किंग फॉर. ये जो पार्ट है इसमें आपको फेथ रखना होगा, पूरे विश्वास से जो भी आपको चाहिए है, क्योंकि when you want something ना आपको hurdles बहुत ज़्यादा आएंगे. Let's say आपके पास 500 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आपको चाहिए हैं 1 लाख रुपए, लेकिन वो जो 500 रुपए हैं ना वो भी यूनिवर्स आपसे छीन लेगा उस टाइम पे. बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी हैप्पी. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू दैट. यू हैव टू शो गॉड दैट यू नो no matter what you have faith, you believe that you know you'll achieve that that thing one day. And agar aapke paas abhi nahi bhi hai to koi baat nahi, jab wo bhagwan, jab universe dekhte hain ki you know aapke paas kuch nahi bhi hai to bhi aap khush hain, to that time you know universe gives you. So you have to have faith and you have to trust the process. So fourth thing we'll talk about is clarity. So I was very much clear about what I wanted in my life. So God actually made it happen. So if you want anything,
just be clear in your head that what exactly you want. So now we'll talk about my favorite part, which is journaling. Journaling ka matlab hota hai, whatever you want, you write it. So I'll show you guys. I got this from Instagram. If you can see, it is the manifestation box. And इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ये मैंने इफ़ यू वॉन्ट दिस तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी. एंड आई शो यू, आई विल नॉट शो यू कि मैंने इसमें लिखा क्या क्या है, बट ये एक पेज है जिसमें लिखा है करियर, रिलेशनशिप, मनी, ट्रैवल, हाउस, सेल्फ लव. तो मुझे जो भी चाहिए है मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है. एंड इसमें अभी मुझे लिखना बाकी है. So this is my affirmation sheet. So in which you write down your goals and everything जो भी आपको चाहिए है. This is the key to your dreams. Affirmation journal. So I write everything here. I will not show you कि मैंने क्या लिखा हुआ है, but I'll show you कि ये कैसा है. So here it's all written I am, I am. तो जब आप लिखते हैं तो हमेशा आई एम इन द प्रेजेंट टेंस ही लिखना है आपको, क्योंकि इफ यू वॉन्ट समथिंग यू हैव टू बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव इट. ये मत बोलना दैट आई वॉन्ट. आई वॉन्ट का मतलब आपके पास नहीं है अभी. यू हैव टू बिलीव इन इट दैट यू ऑलरेडी हैव इट. लाइक आई एम मिलियनेयर, या फिर आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, आई हैव ब्यूटिफुल बॉडी, आई हैव ब्यूटिफुल स्किन. सो वॉट एवर यू वॉन्ट वो हैव में, प्रेजेंट टेंस में आई एम में लिखना है. एंड ये एक चेक है जिसमें मैंने एक अमाउंट है वो लिखा हुआ है जो मुझे चाहिए है. सो आई राइट दिस एवरी डे बिफोर आई स्लीप. एंड दिस इज अगेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. तो इसमें जो है वो ये है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. रात को सोने से पहले आपको ये लिखना है. What am I grateful for today? Who and what made me smile today? What do I love the most about myself? What act of kindness did I do or witness today? What am I most excited about tomorrow? This is really really nice. मतलब whenever I write all this ना तो लिटरली मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल होती. लाइक अभी मैं पढ़ भी रही थी तो भी आई वॉज जस्ट स्माइलिंग बिकॉज आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग जो मेरे साथ आज हुआ, अच्छी चीजें हुई. दिस रिमाइंड्स ऑफ गुड थिंग्स. ये मेरी एक और डायरी है जो मैंने ऑर्डर की थी इंस्टाग्राम से. आई राइट एवरीथिंग हियर. एंड वेन आई राइट आई पुट अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई बिलीव दैट आई ऑलरेडी हैव इट. ओके आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ है. मैंने अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं किया था बट मैंने चिराग के लिए मैनिफेस्ट किया था, लिखा था. सो मैंने लिखा था चिराग के लिए दैट वेन ही वॉज वर्किंग ऑन द शिप, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, ही वॉज वर्किंग एंड ही वॉज द सेकेंड ऑफिसर क्रूज में. एंड For some reason, I had faith and I don't know, मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने बस लिख दिया, सच्चे दिल से मैंने लिख दिया that you know, Chirag is first officer in Cordillera Cruise. And trust me, within few days, they called him and they were like, okay, you got promoted. So, that is it. Now we'll talk about vision boards. मुझे विजन बोर्ड क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड ऑनेस्टली विजन बोर्ड मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है टू अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ. आई हैव अ विजन बोर्ड, स्मॉल विजन बोर्ड विच आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon रिसेंटली. एंड Amazon में बहुत डिफरेंट तरह के विजन बोर्ड्स हैं. और अगर आपको विजन बोर्ड नहीं खरीदना है सो यू कैन क्रिएट इट एट होम ऑल्सो. आप किसी भी वॉल पे वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, इफ यू वॉन्ट फरारी, इफ यू वॉन्ट अ बिग हाउस, इफ यू वॉन्ट रिलेशनशिप, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप वो सारी इमेजेस निकाल के प्रिंट आउट करवा के उस वॉल पे चिपका सकते हैं. एंड वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग आप सुबह उस विजन बोर्ड को देखिए, सुबह रात को सोने के टाइम पे वो विजन बोर्ड देखिए. फॉर मी आई थिंक मैंने अपने फोन का जो वॉलपेपर है
उसको अपना विजन बोर्ड बना के रखा हुआ है. मैंने पिंटरेस्ट से बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करके अपना एक विजन बोर्ड बना रखा है, लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ, माई फैमिली, हाउस, वॉट एवर, मनी, सब मैंने वो लाइक आई डोंट वॉन्ट टू शो यू माई विजन बोर्ड, बट यू कैन क्रिएट योर विजन बोर्ड. और विजन बोर्ड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है एंड बहुत ही एक पुश मिलता है टुवर्ड्स योर गोल्स. So it truly helps. So yes, that's why vision board is very important. It helps you to achieve your goals. जिस चीज को आप दिन में 10 बार देखते हैं उस चीज को आप अट्रैक्ट भी करते हैं. और इस चीज से बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है टू अचीव ऑल योर गोल्स एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपको क्या चाहिए है फ्रॉम यूनिवर्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट विजुअलाइजेशन. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. लाइक पूरे दिन में मैं 2-3 बार ये चीज़ ज़रूर करती हूँ. लाइक आई विजुअलाइज एवरीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट. एंड उसका मतलब ये है दैट यू लिव द मोमेंट, यू शट योर आईज एंड देन वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. लाइक जो मेरा ड्रीम हाउस है, आई शट माई आईज, आई इमिडिएटली गो देयर इन माई ड्रीम हाउस. लाइक आई एम लिटरली राइट नाउ इन माई ड्रीम हाउस. मैं अपने घर में चल रही हूँ. I'm having fun with my family is there, I have my own, I will not say, but जो भी मुझे गाड़ी चाहिए है मैं वो गाड़ी चला रही हूँ. I'm doing everything whatever I, you know, dream of. You know why I believe in visualization? Because I have experienced this. मैं आप लोगों के साथ एक अपनी छोटी सी एक स्टोरी जो है अपनी शेयर करना चाहती हूँ. ये उस टाइम की बात है जब मैंने ये है मोहब्बतें ज्वाइन नहीं किया था. एंड जो ये है मोहब्बतें का जो सेट था वहीं पे मेरा एक ऑडिशन था. एंड व्हेन आई सॉ द टीम ऑफ ये है मोहब्बतें आई वाज लाइक आई वांट टू वर्क विद देम. एंड जब मैं बॉम्बे आई थी आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि मुझे एकता कपूर के साथ काम करना है, मुझे बालाजी के साथ काम करना है. एंड ये है मोहब्बतें जब मैं बॉम्बे आई भी नहीं थी मैं तब से देखती थी. सो व्हेन आई सॉ ऑल द कास्ट आई वाज लाइक आई वांट टू वर्क विद देम. एंड ऑनेस्टली ऑडिशन में दूसरे शो के लिए दे रही थी बट आई वाज इमेजिनिंग माई सेल्फ देयर विद ऑल द कास्ट ऑफ ये है मोहब्बतें. एंड ट्रस्ट मी विद इन अ मंथ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम दैट दे आर लुकिंग फॉर अ कैरेक्टर कॉल्ड आलिया. And I gave my audition and सब कुछ इतनी जल्दी 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 हो गया. मैं कितने टाइम से यू नो ट्राई कर रही थी ये मतलब बालाजी के ऑडिशंस के लिए बट somehow मेरा नहीं हुआ. But that day when I saw myself, when I visualized myself with them, it happened. I was working with these people and it was so dreamy. Like literally मुझे अभी भी goosebumps आ रहे हैं. And it was so nice. So that's why I'm telling you that visualization is very important. Whatever you visualize, सच्चे दिल से मतलब आप जो visualize करते हो अपने आप को देखते हो वहां पे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो you have it already. So whatever you think you attract, whatever you think you become, मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है. Like you know whatever I think वो सच में सच हो जाता है, चाहे वो negative thought हो चाहे वो positive thought हो. So मैं I try कि मैं हमेशा positive सोचूं लेकिन it is not possible. Negative thoughts आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं but I do one thing which my mother-in-law told me. Whenever कुछ भी ऐसा thought आता है, negative thought आपके दिमाग में आता है, so you immediately tell yourself that this thought has nothing to do with me and you say cancel, cancel, cancel. And it really works for me, trust me. When I was a kid, I did not know about manifestation. I did not know about law of attraction. Bas faith tha. I remember, I'll share a note with you guys. I think I was 15 or maybe 16 year old aur maine apni ek book mein, mujhe bachpan se likhne ki bahut zyada aadat thi, ek shauk tha likhne ka. एंड बस मैंने लिख दिया था उसमें दैट यू नो आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ और आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन लाइफ एंड आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई, ये सब कुछ मैंने लिखा था. एंड लुक एट मी राइट नाउ, लाइक आई एम इन मुंबई. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया है बट हाँ कुछ ना कुछ तो अचीव किए हैं अपनी लाइफ में एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम पर फेथ था,
लाइक अभी भी फेथ है, लेकिन जब आप ब्लाइंडली किसी चीज पे फेथ करते हो ना, वो चीज आपकी जरूर होती है. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट यू नो लाइफ इज नॉट ऑल गुडी गुडी. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड अगर आपको अप जो है यू नो आपका हायर टाइम जो है वो अगर आपको एक्सेप्ट करना है, तो जो आपका सबसे खराब टाइम है वो भी आपको एक्सेप्ट करना है. एंड ऑनेस्टली मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही टाइम चल रहा है अभी, वेयर यू नो यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी, गॉड इज टेस्टिंग मी. एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू नो टू पुट दैट स्माइल, बट यू हैव टू, दिस इज हाउ लाइफ इज. आई वॉज ऑल्सो यू नो स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन एंड ऑल वर्क वाइज, अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज एंड ऑल. बट वन थिंग इज देयर दैट आई स्टिल हैव फेथ. आई हैव फेथ इन गॉड. वो जो छोटी कृष्णा थी वेन आई वॉज 16, दैट यू नो दैट फेथ वॉज देयर दैट यू नो थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. एंड द सेम वे ट्रस्ट मी, टाइम चेंज होता है. जब गॉड को दिखता है कि ओके यू आर रेडी फॉर दिस, गॉड गिव्स यू दैट एग्जैक्टली अराउंड दैट टाइम ओनली. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोसेस इन मैनिफेस्टेशन इज टू बी हैप्पी. इफ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ विद वॉट एवर यू हैव, ट्रस्ट मी यू विल अचीव एवरीथिंग. ऑल्सो आपकी लाइफ में आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. पीपल हु आर इनसिक्योर, पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू, पीपल हु आर मीन टू यू, जस्ट कट देम ऑफ. ट्रस्ट मी यू विल बी दी हैप्पीएस्ट. मेरा फ्रेंड सर्कल खुद का बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट जब मुझे समझ में आया कि किन लोगों के साथ यू नो दोस्ती रखनी है और किन लोगों के साथ कट ऑफ करना है, आई एम दी हैप्पीएस्ट. आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक आई हैड फ्यू पीपल इन माय लाइफ जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे. दे यूज टू टेल मी दैट यू नो यू आर नॉट गुड लुकिंग, यू आर नॉट गुड इनफ, यू कैन टॉक प्रॉपरली, यू कैन डू दिस, एंड आई मेड दैट माई रियलिटी. मुझे सच में ऐसा लगता था दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कट ऑफ विद दीज काइंड ऑफ टॉक्सिक पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू एनीथिंग इन योर लाइफ. You know what is the most important thing in your life is, and it should be for everyone, is you. That's why you should love yourself, you should prioritize yourself. सबसे पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचो. So that's it guys, ये था हमारा आज का video. We talked about so many things, about you know trusting the process, about intention, about clarity, about gratitude, about visualization, about vision board, about so many things, about self-love. So do let me know in the comments कि आपको इस पूरे process में सबसे अच्छी बात क्या लगी. Also last but not the least, मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगी, that never doubt yourself. Self-doubt is the worst thing you could do to yourself. इसलिए whenever you get up in the morning, look into the mirror and tell yourself that you're beautiful, you're enough and you have everything you want. So that's it guys, ये था हमारा आज का video on manifestation and trust me, I really enjoyed it while filming the video and I hope आप लोगों को भी ये video अच्छा लगा हो. And if you like this video, please hit the like button, do subscribe my channel and share it with your friends. I hope this video was helpful to all of you. So yes, that's it. Shukrana, thank you so much. Love you all. Keep watching my videos. Bye.